गाइस, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। यहाँ पे सनराइज हो चुका है। अभी हम फ्रेश हो रहे हैं। फ्रेश होके फिर हम निकलेंगे बॉमडिला के लिए। उठ गए हैं। चंदन कैसा रहा रात? नींद कैसा रहा? बहुत शांतिपूर्वक। चंदन भाई करने गए थे खेला कुत्तों के साथ और खुद गिर गए। चंदन कैसा लगा झटका? गए हैं रूपा विलेज में और यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये पूरा एक छोटा सा शहर पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। यह है बॉमडिला का गेट और ऊपर आप देख सकते हैं वहाँ पे छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं पहाड़ों के ऊपर। बहुत ही नज़ारा है। अभी हम लोग बॉमडिला पहुँच गए हैं और ये है हमारा आज का होम स्टे। आज हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ है। हेलीपैड है हमारा रूम। आज रात को यहीं पे हम रुकने वाले हैं। छोटा सा होम स्टे है, प्रांगले होम स्टे है। ये हमारे रूम के बाहर का नजारा है। क्यों रुक रहे हैं रास्ते में के बीच में? लगता है कुछ है ऊपर। अच्छा, ऊपर पत्थर को फोड़ा जा रहा है। चंदन पीछे आ जाओ, आगे खतरा है। ये भाई साहब बीच रास्ते में खड़े हैं, तो पहले रुकना चाहिए था। कोई समझेगा ही नहीं। आ जाओ पीछे आ जाओ। आ जाओ तो रुक जाते हैं। अभी हम पहुंच गए दिरांग और यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेके जाएंगे मंडला टॉप पे। ये है मंडला टॉप का रास्ता और मैं आपको दिखाता हूँ दिरांग का ये है एंट्री गेट। यहाँ पे लेफ्ट साइड से रास्ता जाते हैं। ये रास्ता जाते हैं मंडला टॉप। Awesome.
अभी हम पहुंच गए हैं मंडला टॉप पे। यहाँ पे नज़ारा कुछ अलग ही है, चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है, जहाँ भी देखेंगे वहाँ बर्फ है और कोहरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कड़ाके की ठंड है। कैसा लग रहा है? फाइनली प्लान एक्चुअली नहीं था मंडला टॉप आने का, बोमडीला तक ही था, बट जो भी हो इट इज़ अ ग्रेट फीलिंग बिकॉज बाइक के साथ कभी ऐसा आया नहीं। तो और ये हमारा बाइक पीछे आप देख सकते हैं, बहुत ही ठंडा है यहाँ पे, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ठंड और बर्फ के अलावा यहाँ पे एक कुआ भी नहीं है। अभी हम लोग दिरांग से वापस बोमडीला जा रहे हैं, बीच में एक छोटा सा होटल मिला है, यहाँ पे हम मैगी खाएंगे, फिर बैक टू बोमडीला। यहाँ से लगभग एक डेढ़ घंटा लगेगा। चंदन कितना टाइम लगेगा यहाँ से? यहाँ से करीबन एक घंटा। ओके, तो एक घंटा और राइड करेंगे, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे बोमडीला।